आयशा के साथ जो कुछ भी हुआ है और जिस तरीके से आयशा ने घर के अंदर आकर मुनावर के होश उड़ाए हैं, उसके बाद मुनावर रोते हुए और माफ़ी मांगते नजर आए हैं। हालांकि ये मुनावर के पश्चाताप के आंसू हैं या विक्टिम कार्ड है ये तो आज के एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि मुनावर को ये बात फील हो रही है कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए जिम्मेदार जो है वो वही है। और उसने कहा कि मुझे आई वॉन्ट टू गो होम। यहाँ पे मैं आपको प्रोमो दिखाती हूँ। Crying is not a solution. Yeah, I don't want to cry. नहीं, it's okay. Crying is not a problem also. अगर रोने से चीजें बाहर आती हैं तो रो लेना चाहिए। Listen, understand one thing, ठीक है? जो भी हुआ है वो एक दिन में मैं नहीं भूल सकती कि आपने जो भी किया है कि मैं माफ करूंगी, ऐसा कुछ भी। मैंने अपनी जिंदगी में क्या ऐसा गलत किया था कि मेरे साथ तो यहाँ पर आयशा का कहना है कि मैंने क्या गलत किया था जो मेरे साथ ये चीज हुई। इसके अलावा आयशा ने उसे ये भी रियलाइज कराया कि बाहर भी कोई है जिससे आपको माफी मांगनी चाहिए। तो यहाँ मुझे लगता है कि वो लोग नाजिला का जिक्र कर रहे हैं कि नाजिला के साथ भी गलत हुआ है, ये सारी चीजें उसके साथ भी हुई है तो उसके साथ भी माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद वो कहते हुए नजर आया मुनावर कि जो मैं गलत से गलत जगह थी वहां पे भी मुझे जो है इज्जत से नवाजा गया, आज मैं अच्छी जगह हूं वहां पे मुझे जिल्लत से नवाजा गया है, तो ये सब कुछ भगवान ही कर रहा है। तो अब उसने कहा कि मैं मानता हूं कि जो चीजें हुई हैं मैं ही जिम्मेदार हूं। आयशा ने साफ कहा कि मैं एक दिन में आपको माफ नहीं कर सकती। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अब जो मुनावर के आंसू है वो वाकई में अपनी गलती मान रहे हैं इसलिए है, पश्चाताप है इसलिए है, या फिर यहाँ पर जो है ये आंसू सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड के लिए हैं? क्योंकि कल लाइव फीड में हमने देखा कि ये दोनों एकदम नॉर्मल थे, साथ में बैठ के शायरी बना रहे थे, डांस भी कर रहे थे, प्रैक्टिस भी कर रहे थे और एकदम कॉर्डियल थे, आज तो बैठ कर खाना भी साथ में खा रहे थे। तो क्या आयशा का जो गुस्सा ड्रामा जो भी था, जो उसकी शिकायत थी, ड्रामा शब्द तो नहीं कहूंगी मैं, जो शिकायत थी वो सिर्फ एक ही दिन का था और उसके बाद अब सब कुछ नॉर्मल है? तो आपको क्या लगता है कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा।